हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता अमेजिंग वीडियो। सो आज मैं आपको ब्लीच करना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कॉटन, और मैं नेचर का ब्यूटी बास्केट ग्रेप फ्रूट क्लींजर यूज़ करूंगी। गुलाब जल लिया है, एक कोली ली है, उसके साथ मैंने ब्रश लिया ब्लीच करने के लिए, और मैं प्योर रूट्स की गोल्ड क्रीम ब्लीच यूज़ करूंगी। और मुझे एक बैंड चाहिए, और मैंने एक पानी का बाउल लिया, उसके अंदर मैंने स्पॉन्ज लिया है आफ्टर ब्लीच, जिससे मैं फेस साफ करूँ। गाइस, अब हम ब्लीच करने के लिए सबसे पहले बैंड लेंगे, बैंड लगाएंगे। बैंड लगाने के बाद हम फेस को क्लीन करेंगे। क्लींजर लिया है हमने और कॉटन लिया है, इसको हम स्प्रे करेंगे इसके ऊपर सारा। ये मेरी क्लींजर लग गया हुआ है, इससे मैं सारा फेस क्लीन करूंगी अपना। जो भी मैंने मेकअप किया है दिन का, लिपस्टिक लगी है, ये सब मैं रिमूव करूंगी। नेक भी क्लीन कर लिया मैंने सारा अपना। सो ये क्लीन हो गया है, मेरा पूरा फेस साफ। सो गाइस, मैंने गोल्ड ब्लीच क्रीम ले ली है, इसके मैं 2 स्कूप लूंगी। 1 स्कूप, 2 स्कूप, सिर्फ 2 स्कूप लूंगी। 2 स्कूप लेने के बाद, ये मेरा एक्टिवेटर है, इसकी मैं 1 पिंच, 2 पिंच, जस्ट 2 पिंच डालूंगी, क्योंकि इसका एक्टिवेटर वगैरह बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए हमें देख के करना पड़ता है ब्लीच। कईयों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसके लिए हमने गुलाब जल इसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे हम ब्लीच अप्लाई करते हैं, हमारे फेस पे इचीनेस होती है, गुलाब जल से हमारे फेस पे इतनी इचीनेस नहीं होती। इसके हम 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दिए बस हमने, ये डाल लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारा इसको। ये देखिए गाइस, ब्लीच हमारी मिक्स हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी डायरेक्शन बताती हूँ। जब भी हमने ब्लीच लगानी है, तो हमने अपवर्ड्स की ओर ब्लीच लगानी है, वो इसलिए क्योंकि जिससे हमारी स्किन स्ट्रेच रहे, लूज ना हो हमारी स्किन। अपवर्ड्स की ओर इस तरफ लगा दी है, ऐसे ही हमने इधर लगा लेना है सारा, अपवर्ड्स की ओर ही, आई से बचा के नोज पे भी अप्लाई कर लेंगे, अपर लिप्स पे भी, देन फोरहेड पे आईब्रोज को बचा के, बिल्कुल आईब्रोज पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए। हमारे फेस पे सारे अप्लाई हो गए, अब हम ईयर्स पे भी ऐसी लगा लेंगे, ईयर्स भी कवरेज करेंगे। इसके बाद हम नेक पे लगाएंगे अपवर्ड्स की ओर ही, सो गाइज इसको हम 15 मिनट रखेंगे अपने फेस पे लगा के। जब भी आप ब्लीच लगाए, तो आप टाइम जो, गाइज मेरे को ब्लीच लगाए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं एक बार फिर से ब्रश से इसको उसी डायरेक्शन में मूव करूंगी। फोरहेड पे लगा के आईब्रो से बचाते हुए, नेक पे भी अपवर्ड्स, देन ईयर्स पे। ये मैंने एक बार ब्रश से सारा मूव कर लिया। मुझे 5 मिनट्स और रखना है ब्लीच को। मुझे 15 मिनट्स कंप्लीट हो गया ब्लीच अप्लाई किए हुए। अब मुझे ब्लीच रिमूव करनी है, उसके लिए मैंने ये स्पॉन्ज लिया है, इससे मैं अपना फेस क्रीम रिमूव करूंगी। सो गाइस, मैंने सारा अपना फेस क्लीन कर लिया है, ये देखिए रिजल्ट। सो गाइस, ब्लीच का रिजल्ट देखिए, मेरे सारे ये जगह ब्राउन कवरेज हो गई है, प्लस मेरे फेस पे शाइन भी आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।